हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप देख रहे हैं हमारे पास है एक हीटर। ये हमने पिछली वीडियो में कैसे बनाया था वो उसकी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन मैंने उसे लिंक दे दिया है, वहाँ पर आप जाकर इसे देख सकते हैं। तो इसे हम फाइनली आज इसे हम रूम हीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इसे हम वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो कर दीजिए लाइक, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम इस हीटर की जो यहाँ पर प्लेट को लगाया गया है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो कनेक्शन वाले जो नट बोल्ट लगे हैं उन्हें हम खोलकर पत्ती को बाहर निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद जो जो हीटर की जो चीनी मिट्टी की जो प्लेट होती है उसके नीचे जो दो पत्तियों को लगाया गया है उससे हमारी जो प्लेट है उस पर रखी हुई है। तो इन पत्तियों को भी हम स्क्रू में से खोलकर बाहर निकाल लेते हैं। तब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं हमने उसे बाहर निकाल लिया है, और आप ने देखा वो नज़दीक से हमने इसमें ड्रिल मशीन से छोटे छोटे होल कर दिए हैं, जिससे जो मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगा हम क्या करने वाले हैं। तो उसके बाद हमने जो इसमें से जो स्प्रिंग लगी हुई थी नाइक्रोम की, 1000 वाट की स्प्रिंग है, तो इसे हम जो दोनों जो सिरे हैं नाइक्रोम स्प्रिंग के उनमें हम नट डालकर इस प्लेट में कस देते हैं। दोनों जो नाइक्रोम हीटर का जो एलिमेंट है उसके दोनों जो सिरे हैं उन्हें हम यहाँ पर लगा लेते हैं अच्छे से। इसके जो बोल्ट हैं उन्हें टाइट करके लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ये लूज रहते हैं तो यहाँ पर स्पार्किंग होती है, फिर उसके बाद जो हमारा एलिमेंट होता है उसको वहाँ से जल जाता है। तो इसे हम अच्छे से यहाँ पर कसकर लगा लेते हैं। तो अब इसे हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पर फंसा देंगे, और आप देख सकते हैं हमारा ये भी काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसे दोबारा इसी में इंस्टॉल कर देंगे जैसे इसे पहले लगा था। तो हम इसे आराम से यहाँ पर बीचा बीच इसको फिक्स कर देंगे। और इन पत्तियों को हम दोबारा यहाँ पर नट बोल्ट की मदद से इन्हें भी हम यहाँ पर अच्छे से कस देंगे, जिससे हमारी जो ये एलिमेंट की जो चीनी मिट्टी की जो वो बाहर ना निकले। दोनों पत्तियों को हम यहाँ पर आमने सामने लगा देंगे। और अब इसके बाद हमारे जो मेन कनेक्शन वाली जो पत्ती हैं उन्हें भी हम यहाँ पर ऐसे ही निकाल देंगे बाहर नट बोल्ट को कसकर। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो काम है वो बाकी है, इन्हें हम यहाँ पर जल्दी से फटाफट लगा लेते हैं। तो हमारा जो हीटर है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है, और अब इसके बाद हम इसमें अब ये जो आप देख रहे हैं फैन जो इन्वर्टर में एग्जस्ट के रूम में लगाया जाता है जो अंदर से हीटिंग को बाहर निकालता है उसी का हम यूज करेंगे। 12 वोल्ट पे ऑन होगा, तो इस पर हम फेविक्विक की मदद से एक यहाँ पर पत्ती को लगा देंगे, लोहे की पत्ती का हम यूज करेंगे इसमें। और अब इसके बाद हम इसे ग्लूगन से कुछ इस तरीके से बीचा बीच में फिक्स कर देंगे। तो ग्लूगन से हम इसको यहाँ पर अच्छे से चिपका लेंगे। तो ऐसे चिपकाने के बाद अब इसमें हम एक हमने स्विच को लगाया है और एक डीसी 12 वोल्ट की सॉकेट को लगाएंगे। अब इसके हम कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो रेड वाला जो वायर है वो डीसी पिन सॉकेट की प्लस वाले पॉइंट में, और जो माइनस वाला है वो स्विच की सॉकेट से। अब एक एक्स्ट्रा वायर से डीसी सॉकेट की एक जो पिन बची है उस पर, और एक स्विच की लेग पर।
तो ये भी जो हमारे कनेक्शन है वो हो चुके हैं। इस सॉकेट को हम इसमें पिन लगा देंगे और अब स्विच को हम ऑन करके आपको दिखाते हैं। जो हमारा फ़ैन है वो एकदम प्रॉपर तरीके से आप देख आवाज़ से आए देख सकते हैं काम कर रहा है। मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देता हूँ, जो हमारा फ़ैन है वो एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अब जो नीचे हमने जो इसमें होल किए हैं उनसे हमारी जो एयर है वो जाएगी और जो ऊपर नाइक्रोम की जो हीटर की जो एलिमेंट लगी है वो वहाँ से हमें गर्म एयर देगी। तो हमारा जो रूम हीटर है वो एकदम अच्छी तरीके से काम करने वाला है। तो अब इसका हम जो सेकंड ट्रायल है वो भी हम टेस्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास है डिजिटल थर्मोमीटर। तो अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है आप देख सकते हैं दोस्तों 23.67 अप्रॉक्स है, थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है। तो अब मैंने जो हीटर है वो मैंने ऑन कर दिया है और हमारा जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं 25.7 और 26 हो चुका है, 26.4। तो हमारा जो रूम हीटर है वो एकदम प्रॉपर बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो हम थोड़े समय तक इसका टेम्परेचर देखते हैं कितना इंक्रीज होता है। तब तक आपको हमारी जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही में उस जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। और आप देख सकते हैं अभी तो थोड़ा ही टाइम हुआ है, जो हमारा टेम्परेचर है यहाँ का वो 34.4 हो चुका है। जो मैं वीडियो भी जो शूट कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं ये आउटडोर में वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस वजह से जो हमारा डिजिटल थर्मोमीटर है उसका सेंसर हमने उसके पास रखा है, क्योंकि अगर बंद कमरे में हम इसका वीडियो को शूट करते तो वहाँ का जो टेम्परेचर है उसे ये रूम हीटर हमारा जल्दी कवर कर लेता, पर यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। इस वजह से हमने जो सेंसर है वो रूम हीटर के ऊपर ही रखा है, जिससे हमें अभी जो टेम्परेचर है उसे हम नाप सकें। आप देख सकते हैं 40.3 तक जो हमारा टेम्परेचर है वो जा चुका है। और अभी मैं यहाँ की जो लाइट है उसे मैं ऑफ़ करके आपको दिखाता हूँ। और आप देख सकते हैं जो हमारा हीटर है वो एकदम लाल हो चुका है, अगर इस पर आप कुछ भी डाल देंगे वो तुरंत ही जल जाएगा। और आप देख सकते हैं जो हमारा टेम्परेचर है वो 39.5 और अब 40 हो चुका है। तो हमारा जो रूम हीटर है वो एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।